हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार फ्रेंड्स आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स चैनल पन्नी हुए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड्स आप लोगों से अंबल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सपोर्ट करें चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन को रिस्पॉन्स करिए इन हिज पोएम रॉबी वैन इजरा रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरीफाइज रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी पोएम रावी वैन इजरा में किसे ग्लोरीफाइज किया है चाइल्डहुड यूथ ओल्ड एज या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एब रिस्पॉन्सली क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ओल्ड एज इजरामी रॉबर्ट ब्राउनिंग ओल्ड एज को ग्लोरीफाइज करते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू को रिस्पॉन्स करिए हुईच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ट्स वर्थ विजन ऑफ नेचर व्हीच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ट्स वर्थ विजन ऑफ नेचर ऑप्शन ए मिस्टिकल फैंथिजम या ऑप्शन बी सुपर नेचुरल मिस्टिसिजम या ऑप्शन सी रोमांटिक रेसनलिजम या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबब थर्टी टू को रिस्पॉन्स करिए थर्टी टू की बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मिस्टिकल पैंथिज्म ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट थर्टी थ्री को रिस्पॉन्स करिए द नेम ऑफ द रीजन दैट फिगर्स इन आर के नारायणस नॉवेल्स एंड एप्रिशिएटेड एज हिज कैस्टर ब्रिज इज रिस्पोन्स करिए नेम ऑफ द रीजन दैट फिगर्स इन आर के नारायणस नॉवेल्स एंड ऐप्रिशिएटेड एज हिज कैस्टर ब्रिज ऑप्शन ए शिली ऑप्शन बी मालगुडी या ऑप्शन सी कोल्हापुर या ऑप्शन डी नन ऑफ द एब थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री की बात करें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मालगुडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन इन द लाइट ऑफ बेकंस ए सी ऑफ स्टडीज शुड रीड ऑप्शन ए टू कॉन्ट्राडिक्ट ऑप्शन बी टू बिलीव ऑप्शन सी टू वी या ऑप्शन डी टू कंफ्यूट थर्टी फोर को रिस्पॉन्स करिए वन इन द लाइट ऑफ बेकंसिंग ऑफ स्टडीज सुड रीड यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा थर्टी फोर थर्टी फोर की बात करें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट थर्टी फाइव को रिस्पॉन्स करिए मिल्टंस पेराडाइज लॉस्ट रिटेन इन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है हैरी कपलेट स्टेंजा फ्री वर्स ब्लैंक वर्स थर्टी फाइव को रिस्पॉन्स करिए मिल्टन जी पैराडाइज लॉस्ट को सिक्सटीन फिफ्टी एट में लिखना प्रारंभ करते हैं सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में इसको कंप्लीट करते हैं सिक्सटीन सिक्सटी सेवन में पब्लिश होता है टेन बुक्स के साथ फाइनली इसका वर्जन सिक्सटीन सेवेंटी फोर में आता है ट्वेल्व बुक्स के साथ ओके बुक नंबर जो नाइन है लॉन्गेस्ट बुक है बुक नंबर जो सेवन है शॉर्टेस्ट बुक है ध्यान रखना पैराज लॉस जो है मिल्टन जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और ये अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर थर्टी फाइव का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा फ्री वर्स क्या होता है नो राइम नो मीटर ओके फ्री वर्स का दूसरा नाम है वर्स लिबरे गॉट इट इस पंसरी में नाइन लाइंस होती हैं हेरोइक कपलेट में टू लाइंस होती हैं नेक्स्ट थर्टी सिक्स को रिस्पॉन्स करिए हुंग द फॉलोइंग पॉइंट्स वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो कौन सा पॉइंट रूसो से प्रभावित था केट्स वर्ड्सवर्थ टेनिशन ब्राउनिंग रूसो की विचारधारा से कौन सा पॉइंट प्रभावित था रिस्पॉन्स करिए किट्स हैं वर्ड्स हैं टेनिशन है या फिर ब्राउनिंग हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पॉन्स करिए थर्टी सिक्स की बात करें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नन अदर देन वर्डवर्थ वर्ट्स वर्थ जी जो है रूसो की विचारधारा से प्रभावित थे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर थर्टी सेवन को रिस्पॉन्स करिए होम डिड टेनिशन सक्सेट एज पॉइट लॉरेट टेनिसन जी किसके बाद पोइट लॉरेट बनते हैं स्कॉट कॉलरिज वट्सवर शेली। क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की बात करें ध्यान रखना विलियम वट्सवर जी 1843 फोर्टी थ्री से लेकर के 1850 फिफ्टी तक पॉइट लॉरेट रहते हैं इनकी मृत्यु के बाद टेनिशन 1850 में पोएट लॉरेट बनते हैं ऑप्शन सी राइट हो जाएगा द तो विलियम वर्ड्सवर्ज की मृत्यु के बाद टेनिसन जी इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बनते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वर्ड्सवर्ज के पहले कौन थे रॉबर्ट सदी ओके फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन थे जॉन ड्राइडेन ओके जॉन ड्राइडेन ध्यान रखना फर्स्ट ऑफिशियल पर्यट लॉरेट जॉन ड्राइडेन वर्षर जी कब बनते हैं अट्ठारह में बनते हैं 1850 तक इनकी मृत्यु के बाद 1850 में टेनिसन जी पोर्ट लॉरेट बनते हैं ऑप्शन सी राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट को रिस्पॉन्स करिए होम डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर मर्डर ऑफ डंकन लेडी मैकबेथ डंकन की मृत्यु का आरोप किस पर लगाती है ऑप्शन ए मेलकम एंड डोनलबेन या ऑप्शन बी डंक ड्रंकिन चम्बरलियंस ऑप्शन सी द पोर्टर या ऑप्शन डी मैकबेथ थर्टी एट को रिस्पॉन्स करिए लेडी मैकबेथ किंग डंकंस की मृत्यु का आरोप किस पर लगाती है ऑप्शन बी बी इज द राइट आंसर डंकंस ड्रंकिन चैम्बरलेन ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट थर्टी नाइन को रिस्पॉन्स करिए हुस बैंको बैंकों को कौन मारता है मैगडम मारता है फ्लेंस मारता है मैकबेथ मारता है ऑप्शन डी ए ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायरड बाय मैकबेथ या फिर हत्यारों का एक ग्रुप जिसे मैकबेथ हायर करता है वो मारता है बैंकों को रिस्पॉन्स करिए थर्टी नाइन की बात करें ध्यान रखना वैंक्यू को हथियारों का एक ग्रुप जिसे मैकबेथ हायर करता है वो मारता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ए ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायरड बाई मैकबेथ थर्टी नाइन का ऑप्शन डी राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी को रिस्पॉन्स करिए व्हीच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैगबेथ डेथ व्हीच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैगबेट डेथ लेडी मैगबेथ के मृत्यु के विषय में कौन सबसे अच्छा पॉइंट डिस्क्राइब करता है ऑप्शन ए शी डाइज ऑफ स्टेज या ऑप्शन बी शी स्लीप वॉक्स ऑफ द पैलेस वॉल या ऑप्शन सी शी डिक्लेयर्स हर ओन गिल्ट एंड स्लैब्स हर विद ए नाइफ या ऑप्शन डी मैकडा विस्लेश हर इन रिवेंज फॉर हिज ऑन वाइफ्स मर्डर क्वेश्चन नंबर फोर्टी को रिस्पॉन्स करिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर्टी की बात करें ऑप्शन डी राइट होगा मैगडा विस्लेज हर इन रेवेंज फॉर हिज ओन वाइफ्स मर्डर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन को रिस्पॉन्स करिए होम डज मैकबेद सी शिटिंग इन ही चेयर ड्यूरिंग द बैंक बैंकुएट सीन के दौरान मैकबेद किसी चेयर पर बैठा हुआ देखता है हेम सेल्फ बैंक घोष्ट घोष्ट या लेडी मैकबेथ स्वयं को देखता है बैंक के घोष्ट को देखता है डंकन्स के घोष्ट को देखता है या फिर लेडी मैकबेथ को देखता है फोर्टी वन को रिस्पॉन्स करिए मैकबेथ किसी चेयर पर बैठा हुआ देखता है फोर्टी वन की बात करें ऑप्शन बी राइट होगा बैंकियों के घोष्ट को देखता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट फोर्टी टू को रिस्पॉन्स करिए हुईच ऑफ द हुईच ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन्स दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट मिल्टन की किस पॉइंट की लाइन है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है रिस्पॉन्स करिए पैराडाइज रिगेंड की है कोमस की है आनहिज ब्लाइंडनेस की है या फिर सैमसन एगोनिस्टिस की है फोर्टी टू को रिस्पॉन्स करिए दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फोर्टी टू आप सभी लोग जानते हैं ये पैट्रार्कन सोनेट का बेस्ट एग्जाम्पल है पैट्रार्कन जो सोनेट होते दो भाग में डिवाइड होती है ओक्टिव ओक्टिव में एट लाइन होती हैं सस्टेट सस्टेट में सिक्स लाइन्स होती हैं पैट्रकन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है ध्यान रखना ए डबल वी ए डबल वी ए सी डी ई सी डी ई ध्यान रखना पेट्रकन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होगी ए डबल वी ए डबल वी ए सी डी ई सी डी ई ध्यान रखना लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है फोर्टी टू की बात करें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस ओके हिज ब्लाइंडनेस गॉट इट ज ब्लाइंडनेस का टाइटल सर टॉमस न्यूटन देते हैं ध्यान रखना टॉमस न्यूटन ओके ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है मिल्टन जी जब इस साउंड को लिखते हैं इस स्पेशली इसको कोई टाइटल नहीं देते हैं ध्यान रखना टॉमस न्यूटन जी इज ब्लाइंडनेस का इसे टाइटल देते हैं ओके okay. फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिल्टन जी जब ब्लाइंड हो जाते हैं तो कौन सा पोइट पॉइंट को कंपोज करने में लिखने में उनकी हेल्प करता है नेक्स्ट फोर्टी थ्री को रिस्पॉन्स करिए हु रिमार्कड अबाउट सेलीज एज Being ए ब्यूटीफुल बट ineffectual एंजल बीटिंग इन द वाइल्ड हिज लुमिनस बिंग्स इन वेन ये किसका रिमार्क है शैली के विषय में ऑस्कर वाइल्ड का है टी एस एलियट का है मैथ्यू रोनल्ड का है या फार लेविश का है फोर्टी थ्री को रिस्पॉन्स करिए शैली के विषय में किसका रिमार्क है Being a ब्यूटीफुल बट ineffectual एंजल बीटिंग इन दाइट हिज लूमिनस विंग्स इन वेल फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री की बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्यू ऑर्नॉल्ड इज द राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर को रिस्पॉन्स करिए हुज डेथ हैज टेनिशन मोर्नड इन इन मेमोरियम इन मेमोरियम में टेनिसन जी किसकी डेथ को मॉर्न करते हैं आर्थर हैलम्स वर्ड्स अर्थ बायरंस नन ऑफ द एब इंपॉर्टेंट है बट इजी है रिस्पॉन्स करिए फोर्टी फोर नंबर फोर्टी फोर की बात करें ध्यान रखना इन मेमोरियम में टेनिसन जी आर्थर हैलम्स की डेथ को मौर्न करते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फोर्टी फोर का ऑप्शन ए राइट होगा नेक्स्ट फोर्टी फाइव वाट हैपेंस टू द लवर इन ब्राउनिंग्स पोएम पॉरफेरियास लवर रिस्पॉन्स करिए वाट हैपेन्स टू द लवर इन ब्राउनिंग्स पोएम पोरफेरिया लवर पोरफेरियास लवर में जो फेमस जो पोएम है ब्राउनिंग जी की पोरफेरियास लवर इसमें लवर के साथ क्या हैपेंस होता है गेट्स मैरिट गेट्स चीटेड गेट्स किल्ड या फिर नन ऑफ देज फोर्टी फाइव को रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव की बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा ब्राउनिंग जी की जो पोएम है फॉर फिरियाज लवर इसमें जो लवर है गेट्स किल्ड ऑप्शन सी राइट होगा नेक्स्ट फोर्टी सिक्स को रिस्पॉन्स करिए द टाइटल नाइटिंगल ऑफ इंडिया वॉज गिविन टू सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू को नाइटिंगल ऑफ इंडिया का टाइटल किसने दिया टाइगोर ने दिया अरविंद घोष ने दिया नेहरू जी ने दिया गांधी जी ने दिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पॉन्स करिए सरोजनी नायडू जी को नाइट ऑफ इंडिया किसने कहा रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स की बात करें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है फोर्टी सिक्स गांधी जी ध्यान रखना सरोजनी नायडू जी को गांधी जी ही नाइट ऑफ इंडिया नामक टाइटल दिया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गांधी जी फोर्टी सिक्स का ऑप्शन डी राइट होगा नेक्स्ट फोर्टी सेवन को रिस्पॉन्स करिए रविंद्रनाथ टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबल प्राइज से कब अवार्ड किया गया टेन 1999, नाइन नाइनटीन थर्टी नाइनटीन ट्वेंटी थ्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार कब मिलता है रिस्पॉन्स करिए फोर्टी सेवन ध्यान रखना गीतांजलि के लिए मिलता है 1913 में मिलता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है नेक्स्ट फोर्टी एट को रिस्पॉन्स करिए हुट टेनिसन जीनियस वाद लिरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पॉन्स करिए हु हुट किसने कहा टेनिस जीनियस वाद लिरिकल इलियट ऑडेन स्पेंडर ईट्स फोर्टी एट को रिस्पॉन्स करिए टी एस एलियट ने कहा या फिर आउडन ने कहा या स्पेंडर ने कहा या फिर डब्ल्यू बी एट्स ने कहा फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट की बात करें ध्यान रखना ये आउडन का स्टेटमेंट है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फोर्टी एट का ऑप्शन बी राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन को रिस्पॉन्स करिए ब्लैकवुड्स डिसमिस्ड कीट्स एज ए मेंबर ऑफ द ब्लैकवुड्स ने कीट्स जी को किस मेंबर से डिसमिस कर दिया शाइटेनिक पार्टी कॉकनी स्कूल डचे सोसाइटी या फिर इल्टिस्ट क्लब फोर्टी नाइन को रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन की बात करें ध्यान रखना ऑप्शन बी राइट होगा कॉकनी स्कूल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी को रिस्पॉन्स करिए शेलीज ओ टू बेस्ट बिंड वाज रिटेन इन दिशनिटी ऑफ फ्लोरेंस रोम एथेंस लेक डिस्ट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिस्पॉन्स करिए और टू शेलीजू दिंग वॉज रिटेन इन द सिंटीज ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी की बात करें ध्यान रखना फ्लोरेंस इज द राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी को रिस्पॉन्स करिए ट्विस्ट वाज सीरियलाइज्ड इन द ऑप्शन ए वेंटलेस ऑप्शन बी ब्लैकवुड्स ऑप्शन सी स्क्रूटनी या ऑप्शन डी क्वार्टरली रिव्यू फिफ्टी वन को रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन की बात करें ऑप्शन ए राइट होगा ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट फिफ्टी टू को रिस्पॉन्स करिए जैगर्स, एक करेक्टर इन डिकेंस ग्रेट इज़, बाय प्रोफेशन एन जैगर नाम का जो करेक्टर है डिकेंस के वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशन उसका प्रोफेशन क्या है कन्फेक्शनर है आर्टिस्ट है लॉयर है या फिर फिजिशियन है फिफ्टी टू नाम का जो करैक्टर है डिकेंस के नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन का करेक्टर है पैसे से वो लॉयर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर उसका जो प्रोफेशन है एक लॉयर का है ऑप्शन सी राइट होगा नेक्स्ट फिफ्टी थ्री को रिस्पॉन्स करिए इन डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड यूरिया हेप्स मिस डेट्स आर एक्सपोज बाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिकेंस डेविड कॉफरफील्ड यूरियाज हिप्स मिसडिट्स आर एक्सपोक्ड बाई विकफील्ड स्टील स्पेनलो या ऑप्शन डी मैकावर एंड ट्रेडल्स फिफ्टी थ्री को रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री की बात करें ऑप्शन डी राइट होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट फिफ्टी फोर को रिस्पॉन्स करिएच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज नॉट रिटर्न बाय शेक्सपियर निम्न में से कौन सा प्लेज है जो तो शेक्सपियर का नहीं है रिस्पॉन्स करिए इज इवन क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग जानते हैं रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर जी का वर्क है मैरी वाइफ ऑफ सा बिंसर शेक्सपियर जी का वर्क है हेनरी सिक्स शेक्सपियर जी का वर्क है ये थ्री पार्ट्स में है ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो थ्री पार्ट्स में ध्यान रखना हेनरी सिक्स हेनरी सिक्स जो है थ्री पार्ट्स में है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड ओके हेनरी सेवेंथ नाम का कोई प्लेस शेक्सपियर ने नहीं लिखा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके ध्यान रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इन किंग लियर वॉज ए बास्टर्ड सन टू लियर किंग ऑफ फ्रांस टिक ऑफ आल्बनी या फिर ऑप्शन डी आर्ल ऑफ ग्लूचेस्टर फिफ्टी फाइव को रिस्पॉन्स करिए किंग लियर वॉज ए बास्टर्ड सन टू ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आर्ल ऑफ ग्लूचेस्टर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स को रिस्पॉन्स करिए इमिलिया, इन वथेलो वर्ड एज अ मेड इन द हाउस ऑफ इमिलिया वथेलो प्ले में किसके घर में मेड का कार्य करती है? कैशियो वथेलो डेस्टिमोना या फिर नन ऑफ द एब फिफ्टी सिक्स वन क्वेश्चन है रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स की बात करें डी मोना इज द राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन को रिस्पॉन्स करिए हु इज रिकॉर्डेड एज ए प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसे इंग्लिश एसे का प्रिंस किसे कहा जाता है विलियम हैजलिट को कहा जाता है Bacon को कहा जाता है मोन्टे को कहा जाता है फिर चार्ल्स लाइम को कहा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करिए। किस पॉइंट को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन की बात करें तो वेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे द फादर ऑफ इंग्लिश एसे ओके वैकनजी को द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है मे को फादर ऑफ एशे ध्यान रखना द फादर ऑफ एशे ओके चार्ल्स लैम जी को द प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना बेकन जी को द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है मॉन्टे को फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है चार्ल्स लैम जी को द फादर ऑफ द प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है ओके द प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट फिफ्टी एट द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स ए मैन टू विटी वेकन के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट की स्टडी मनुष्य को विटी बनाती है बुद्धिमान बनाती है हिस्ट्री मैथमेटिक्स लॉजिक पोएट्री फिफ्टी एट रिस्पॉन्स इमीडिएटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पॉन्स करिए वेकन के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट की स्टडी मनुष्य को विटी बनाती है तो फिफ्टी एट की बात करें ध्यान रखना पोइट्री इज़ द राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ऐसा वेकन का मानना है वेकन जी जो है अफ्रोस्टिक स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं फिफ्टी नाइन पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन डैश अमैशिंग कंज्यूमर गुड्स प्रोन के बाद कौन सा प्रव्यूशन यहाँ पर यूज किया जाएगा फॉर टू आफ्टर इन फिफ्टी नाइन पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन डैश अमैसिंग कंज्यूमर गुड्स ध्यान रखना प्रन के बाद प्रेबिशन टू यूज किया जाता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहां पर टू प्रेबिशन फिलअप किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी को रिस्पॉन्स करिए बी मस्ट ट्राइड एस क्रीट ए बेटर एंड ए शेफर अर्बन लाइफ बी मस्ट ट्राइड एस क्रीट बेटर एंड शेफर अर्बन लाइफ ट्राई के बाद कौन सा प्रेबिशन आएगा रिस्पॉन्स करिए इन टू आएगा इन आएगा टू आएगा फार आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी की बात करें ध्यान रखना ट्राई के बाद प्रेबिशन टू आता है ट्राई टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहां पर टू प्रशन फिलअप किया जाएगा सिक्सटी का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी रही प्लीज आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें यदि आप चैनल पर न्यू हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें आइकन को भी प्रेस कर लें थैंक यू वेरी मच